कौन है और किस तरह के उन पर मामले? नहीं देखिए, कल जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें एक मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह, जिनको कानून मंत्री बनाया गया है। इस कार्तिकेय सिंह पर 2014 में एक किडनैपिंग का मामला दर्ज है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में भी स्वीकार किया है। उसी मामले में कोर्ट ने इन पर वारंट निकाला, इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए। और ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था, अगर था वारंट तो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया, तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है, उसको कानून मंत्री आपने बना दिया। और ये वो कागज़ है, ये जो वारंट का जो कागज़ है, यही कार्य वारंट का कागज़ है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया है। तो नीतीश जी, ऐसे लोगों पर जिन पर किडनैपिंग के मामले में वारंट है और शपथ ले लेते हैं और आप देखते रहेंगे, तो क्या फिर से बिहार को लालू के दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं? आप सुशासन की बात करते हैं, आप कहते हैं कानून के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, तो बर्खास्त कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं 115 विधायकों के दबाव में आप बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं? और कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री क्यों बनाया गया, उनकी क्या हैसियत है कि कानून मंत्री बना दिया? कि बिहार के सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह के ये दाहिना हाथ है। और दूसरा कि कानून मंत्री बने तो राजद से जुड़े जो विधायक हैं, जो मंत्री बन गए हैं, उनके मुकदमों को समाप्त करवाने में, कॉम्प्रोमाइज करवाने में कानून मंत्री एक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। इसलिए मैं तो एक ही आग्रह करूंगा नीतीश जी से कि अपनी, अगर आप अपनी स्वच्छ छवि को बरकरार रखना चाहते हैं तो अविलंब आप कार्तिकेय सिंह को मंत्री परिषद से बर्खास्त करें। आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? अब देखिए, आपके इसी से मालूम पड़ेगा कितने दबाव में है। आनंद मोहन सिंह शपथ ग्रहण के 24 घंटा पहले ही जो है जेल से निकलते हैं और पुलिस कस्टडी में अपने घर पे जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, राज्य दफ्तर में जाते हैं, खगड़िया के सर्किट हाउस में जाते हैं। और किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो उनका विरोध कर सके? अरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी हो सकती थी, लेकिन वो तो उनको घूमने का, तफरी करने का मौका मिल सका। पत्नी है राजद की नेत्री, बेटा है राजद का विधायक, तो किसकी हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि एक बार अगर आनंद मोहन सिंह ने कह दिया तो उनको घर जाने से रोक दे? तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में ये जो ललित यादव, सुरेंद्र यादव, ये रामानंद यादव, जो जिस तरह के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है, और जो राजद के लोग जेल में बंद, राजवल्लभ यादव जेल में बंद हैं, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं, अरुण यादव बलात्कार के मामले में सरेंडर कर दिया जिन्होंने, तो इस तरह के लोग जो अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, तो अभी और तमाशा होना बाकी, अभी तो एक शुरुआत है। तो नीतीश जी, आपके लालू राज का यह ट्रेलर जो है लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। दूसरा सवाल है कि आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये सेल्फिश गवर्नमेंट यहाँ बिहार में फॉर्म हुआ है, और आप लोगों ने कल जब मीटिंग किया तो तय किया कि बिहार में 35+ का टारगेट दिया है, इस पर आपका क्या कहना? नहीं देखिए, ये गठबंधन जो उनका हुआ है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकूं। उनको लगता है कि अब अगला चुनाव लड़े मुख्यमंत्री के रूप में तो 45 से भी नीचे चले जाएंगे। जनाधार खिसक रहा है, वोट बैंक खिसक कर बीजेपी की तरफ आ गया, तो सपना देख रहे हैं कि बने न बने कम से कम दावेदारी तो कर सके, तो राष्ट्रीय फलक पर अपनी भूमिका की तलाश कर रहे हैं। और हो सकता है, देखिए उनको भी पता है कि जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं है, जनता दल यू का या तो राजद में विलय हो जाएगा या विलीन हो जाएगी, विलय या विलीन, यही दो विकल्प है। नीतीश जी का कौन चलाएगा जदयू को? कोई चलाने वाला नहीं है, ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं, तो या तो ये 2024 के पहले या उसके बाद अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दे, या फिर ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश जी जिस मजबूरी में फंस गए बीजेपी को छोड़कर, तो आगे आने वाले दिन और उनके लिए कठिन होने वाले हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में जितनी उनको राहत थी, जितनी आज़ादी थी, वो आज़ादी अब उनको दोबारा नहीं मिलने वाली है। चलिए।